हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। वीडियो में जानेंगे सब कुछ, क्या खबरें चल रही है अभी और इस टाइम पे ब्रोकर्स की क्या राय है, खरीदारी की राय या बिकवाली की राय, और साथ ही हम फंडामेंटल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पर खरीदारी के मौके बन रहे या धोखे बन रहे। वीडियो में जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि एक एक स्टेप एक एक चीजें आपको समझ में आए, और वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को तो देखते बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए, अगर आज देखा जाए तो 0.61% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है हिंदुस्तान जिंक में। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 0.77% है, ना ही कोई ज़्यादा तेज़ी है ना ही कोई गिरावट। एक महीने में देखेंगे फिर भी वही है, लेकिन इस बीच चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 307 रुपये का था, वहाँ से लो बनाया था 298 रुपये का, और फिर वहाँ से लगातार हाई बनाया 310 रुपये का, वहाँ से अभी गिर रहा है पिछले 1-2 दिनों से। 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में 1.5% की गिरावट है, लेकिन यहाँ पे जो पैसा बनाया, बड़ा पैसा बनाया डिविडेंड के फॉर्म में, 2 बार कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिए, 39 रुपीज़ के लगभग का डिविडेंड मिल गया दोनों का मिला करके। इस पूरे साल में देखा जाए तो 5% की गिरावट है, और एक साल में देखा जाए तो 23.27। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ जो लो बनाया था इस बीच, वो 250 रुपये का था, और पुराना लो है 23 जून 2022 को था, और इसके बीच जो हाई बनाया था वो 377 रुपये का है। अगर मैं उसके हायर से कंपेयर करूं तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जो पैसे यहाँ पे बने हुए डिविडेंड के फॉर्म में ज़्यादा बने हुए। पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो पाँच साल में जो लो बनाया था 141 रुपये का बनाया था, और जो लो है वो कोविड के टाइम पर बना हुआ था, वहाँ से स्टॉक ऊपर चढ़ा ऊपर गया, 344 रुपये का लो हाई बनाया था 16 जुलाई 2021 को। उसके बाद ये नीचे आया, 246 रुपये का लेवल टच किया था 24 जून को पिछले साल। उसके बाद यहाँ पे जो हाई बनाया था 353 रुपये का, और अभी डिविडेंड मिला, डिविडेंड वाला स्टॉक है, डिविडेंड इसकी जो प्रमोटर है वो वेदांता है, और वेदांता इसे डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकाल रही है। और वेदांता को ही सबसे ज़्यादा डिविडेंड की जरूरत है, क्योंकि उनको बहुत सारे रिपेमेंट्स करने हैं अपने डेब्ट को चुकाना, तो यहाँ से डिविडेंड फॉर्म में पैसे निकालती है और अपना डेब्ट को चुकाती है। हालांकि बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत सारी चीज़ें हैं वेदांता को लेकर के, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे 29.5% का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है, जो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदुस्तान जिंक की, तो आज जो वॉल्यूम है इनके वॉल्यूम भी अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेड हुए, 267,139 का वॉल्यूम है अभी इस टाइम पे, और ये लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आपको रियल वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ आगे नीचे, तो आज का जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, यहाँ पे लगभग बहुत ही ज़्यादा लोग आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं, लगभग 100% लोग, पूरे लोग यहाँ पे बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। 0% सेल करने के लिए कह रहे हैं और 0% होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। और जहाँ तक मैं आगे बात करूँ बिजनेस में, तो यहाँ पे एक और न्यूज़ देखने को मिल रहा है, नेचुरल हिंदुस्तान जिंक टारगेट 300 मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे टारगेट दे रखा है न्यूट्रल का 300 रुपये का, और टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ तक बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक कंसोलिडेटेड मार्च, ये प्रॉफिट का उनका, जिसके बारे में फाइनेंशियल्स में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान जिंक, और ये हिंदुस्तान जिंक वाई नेचुरल सोर्स। तो एक चीज़ें यहाँ पे, ये मेन चीज़ें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये हिंदुस्तान जिंक वाई आर नेचुरल सिंस स्टैंड्स ऑन द स्टॉक, क्यों न्यूट्रल किया गया उसको। तो इस बीच विच द लार्ज डिविडेंड पे आउट इन FIL 2023 हिंदुस्तान जिंक हैज टर्न इनटू अ नेट डेप्ट कंपनी। देखिए, जब उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड दिया था तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया था इस साल फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में भी बात करो इस साल भी, तो ये एक डेप्थ वाली कंपनी में टर्न हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात को हाईलाइटेड रिजल्ट मार्जिनली एबव एक्सपेक्टेशन गाइडेड कैपेक्स ऑफ 175 to 200 मिलियन फॉर FY 2024 जिंक अलाव एंड राजपुरा ड्रेबा मिल कमीशनिंग लाइकली बाय जून 2023 क्वार्टर रिमेन न्यूट्रल करंट लेवल्स हिंदुस्तान जिंक। देखिए, बहुत सारे चीज़ें हो रही है अभी कंपनी के साथ, और एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड दे रही है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, और शेयर प्राइस में भी कोई अच्छी खासी रैली नहीं आई है शेयर प्राइस, और इस वजह से अगर वो पैसा नहीं कमाएगी कंपनी और डिविडेंड पे डिविडेंड निवेशकों को देती रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत में कंपनी पड़ सकती है। हालाँकि इनको एक डील होने वाला था, हिंदुस्तान जिंक का डील होने वाला था वेदांता लिमिटेड के साथ, क्यों वेदांता इनको अपना इंटरनेशनल जिंक एसेट का बिजनेस सेल करना चाहते थे, $3 बिलियन का ये डील था, बट गवर्नमेंट ने ये इंटरफेयर किया था, यहाँ पे गवर्नमेंट ये डील होने नहीं दिया था, क्योंकि 29.5% का जो डील था वो 29.5% माफ कीजिएगा जो स्टेक था गवर्नमेंट के पास
वो गवर्नमेंट, उनका कहना था कि अभी कंपनी पे 3 बिलियन अगर निकल जाता है तो दिक्कतें आएंगी, ऐसे करके उनका स्टेटमेंट था। बाकी आगे चल के बहुत सारा चीज़ वहाँ पे हुआ, बट डील यहाँ पे नहीं हुआ और टेबल से ये डील हटती हुई दिखाई दे रही है अभी इस टाइम पे। आने वाले टाइम में अगर ये हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करती है तो ये डील फिर से आपको होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही है वो चीज़ें पॉजिटिव वे में नहीं है, ठीक है। विथ अ लार्ज डिविडेंड पे आउट एफआईएल फाइनेंशियल ईयर 2023 हिंदुस्तान जिंक हैज टर्न इनटू अ नेट डेट कंपनी। तो ये कर्ज वाली कंपनी बन चुकी है इनका ये कहना, और इनके जो प्रमोटर है वेदांता वो भी बहुत बड़ी कर्ज वाली कंपनी है, और उनका तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बताया हुआ है वेदांता के ऊपर। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर के वेदांता के जो वीडियोस है वो जाके देख सकते हो। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँ, देखिए फाइनेंशियल क्वार्टरली मैं देख रहा हूँ, मार्च एक साल पहले की बात है, 8,797 का इनका प्रॉफिट था, माफ़ कीजिएगा इनका रेवेन्यू था। उसके बाद जून 2022 में बात करेंगे 9,387 का था, सबसे ज़्यादा जून 2022 में थे। उसके बाद घटा सितंबर में 8,336 करोड़ का हुआ, दिसंबर में भी घटे 7,866 करोड़ का हुआ, लेकिन यहाँ मार्च में बढ़ा थोड़ा 8,509 करोड़ का हुआ। तो देखिए दो क्वार्टर में लगातार घट रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में रेवेन्यूज़ कम से कम उछले ऊपर जाए। जून अगर मैं 2023 जून के क्वार्टर को देखूँ तो वहाँ पे हमारे चांसेस है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ऊपर की ओर आपको रेवेन्यू देखने को मिले। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करेंगे, 2,928 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले, जून में बढ़ा था यहाँ पे प्रॉफिट 3,092 करोड़ का हुआ, और 2,680 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था मार्च सितंबर 2022 में, जून जो दिसंबर 2022 में 2,156 करोड़ का हुआ, और मार्च 2023 में 2,583 करोड़ का। तो अगर आगे आने वाले टाइम में इनका जो एक्सपेक्टेशन और मार्केट भी एक्सेप्ट कर लिए कि जो इनका प्रॉफिट हो हालांकि 2,500 से ऊपर हो, नीचे ना हो, नीचे होंगे तो चीज़ें और दिक्कतें देखने को मिलेंगे। 3,000 का लगभग इनका कैंडल बने, 3,000 करोड़ से ऊपर का। और जहाँ तक मैं बात करूँगा ईयरली, तो देखिए ईयरली ठीक है, ईयरली इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2019 में इनका प्रॉफिट 7,956 करोड़ का था, वहाँ से घटा था 2020 में, कोविड का दिक्कत था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, 6,805 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। 21 में 7,980 करोड़ का हुआ था, 2022 में 9,629 करोड़ का हुआ था, और यहाँ पे बात करूँ 10,511 करोड़ का हुआ था इनका प्रॉफिट। और देखिए 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो डिविडेंड है वो लगभग वेदांता निकाल चुकी है हिंदुस्तान जिंक से, 1 बिलियन से भी ज़्यादा का डिविडेंड, ठीक है। और ये सारे जो पैसे हैं उन्होंने अपने डेप्थ को रिपेमेंट चुकाने में किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक में। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें दिक्कत में हो सकती है, हालांकि जो गवर्नमेंट को भी यहाँ से पैसा गया था डिविडेंड के फॉर्म में, 29.5% का इनका भी स्टेक है तो डिविडेंड तो उनको भी मिला होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें भी चल के आ रही ना डिविडेंड के बाद, ये कंपनी डेप्थ में बन गई, कंपनी डेप्थ वाली हो गई, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती है आगे के लिए। और जो रिटेल इन्वेस्टर उनको ये सारी चीज़ें समझने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते और उसको एनालिसिस नहीं करते, उनको चीज़ें पता नहीं होता, तो दिक्कतें तो यहीं से शुरू होती है ना। आपने मान लो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही और मार्केट ठीक से नहीं चल रहा, तो आपको एनालाइज करो, आप सेफ तरीका ढूंढो, और यहाँ पे ये सेफ तरीका, अभी चीज़ें मार्केट में ठीक नहीं चल रही है और ऐसे एक दो चीज़ें होती है, यहाँ पे प्रॉफिट डाउन होता है, तो ये आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशंस की मैं बात करूँगा, 12.49 रुपये पे पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 50.53 रुपये पे, 17% टिकट टाइप के एनालिस्ट आपको बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हमारी क्या राय है वो वीडियो के अंत में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में, या फिर हम देखेंगे बोर्ड मेंबर की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट है या नहीं है। तो मुझे अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं लगता, जून का अगर कोई रिजल्ट आता है तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे जून वाले महीने में जब रिजल्ट आता है उसके बाद। और इंट्रीम डिविडेंड की बात करेंगे तो देखिए 2 बार इंट्रीम डिविडेंड मिला हुआ है, और 26 रुपये का और 13 रुपये का, 39 रुपये का डिविडेंड मिला हुआ, और अभी 6 महीने ही हुए, 6 महीना बचा हुआ, और मुझे लगता है ये कम से कम एक बार डिविडेंड पे आउट करता हुआ आपको और मिलेगा। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले बार अगर मैं बात करूँ तो एक बार किया था, ठीक है, यहाँ पे, और साथ ही डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, समझे आप। तो अभी आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो रही है, और जैसे कि बात करूँ 2023 में 2 बार पे किया था, 2021 में 1 बार पे किया था, ठीक है, एक बार के बाद यहाँ पे ये 2 बार पे किया है 2022 में, उसके बाद आपको आने वाले चांसेस है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये एक बार डिविडेंड वेदांता निकाल ही लेगी इससे, क्योंकि डिविडेंड की सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत है तो वेदांता को, वेदांता रिसोर्सेज को है जो उसकी पेरेंट कंपनी, क्योंकि इनको रिपेमेंट करने, इनको डेप चुकाना अपना। और जहाँ तक मैं बात करूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि सारा खेल इस कंपनी में वहीं पर हो रहा है, शेयर पैटर्न होल्डिंग में है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 64.92% है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, और प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है वेदांता, और जो यहाँ पर लगभग 56.87% जो शेयर है वो गिरवी पड़ी
बढ़ी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें 0.06% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.89% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.80% है, रिटेल और अदर की बात करें तो 31.33% है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.51% पर, अदर पार्टीज 29.82% पर। ठीक है, जहाँ तक भी फ्रेश बाइंग की बात करूँगा, फ्रेश बाइंग अभी इस लेवल पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ पे 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पे हूँ, तो जो हमारा बाइंग का लेवल है वो 300 से नीचे का ही है, 290-280 के आसपास का अगर शेयर जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे ही, तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग के मौके बनते हैं। तो अगर अभी आप अगर आपने आपके पास है ये शेयर तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, आने वाले कुछ क्वार्टर्स वाले जो रिजल्ट है वहाँ पे आपके नज़र होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पे नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन वीडियो, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।